हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इन कैजलडल्स मेथड फॉर एस्टीमेशन ऑफ नाइट्रोजन। किसके एस्टीमेशन के लिए यूज करते हैं कैजलडल्स मेथड को बच्चों? नाइट्रोजन के एस्टीमेशन के लिए, CuSO4XH। तो कैजलडल मेथड में होता क्या है बच्चों, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना, उसको कंसेंट्रेटेड H2SO4 एंड CuSO4 के साथ मिक्स करके हम लोग क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख लिया, प्लस में आपके पास क्या लिखा, H2SO4 लिखा, एंड यहाँ पे क्या बना लिया इसने, NH4 का होल ट्वाइस SO4। अब इस कंपाउंड को आप जैसे ही क्या करोगे बच्चों, NaOH के साथ ट्रीट करोगे, क्या करोगे, NaOH के साथ ट्रीट। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या बना लेता है, Na2SO4 बना लेता है, प्लस में हमारे पास क्या ला लेता है, अमोनिया बना लेता है, एंड प्लस में 2H2। तो ये जो अमोनिया हमारी बनती है, तो इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अपने कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं कि नाइट्रोजन की कितनी अमाउंट होती है। तो इसमें क्या है कि जो ये CuSO4 होता है ना बच्चों, तो वो CuSO4 एज एन कैटलिस्ट बिहेव करता है, क्या करता है, एज एन कैटलिस्ट बिहेव करता है, इस रिएक्शन की स्पीड को क्या करता है, इंक्रीज करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो क्या वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, बिल्कुल नहीं। क्या वो कैटलाइटिक एजेंट की तरह बिहेव करेगा, बिल्कुल बच्चों। क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल नहीं। क्या हाइड्रोलाइसिस एजेंट, बिल्कुल नहीं। सो करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन बी। आई होप अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।